दोस्तों स्वागत है आप सभी का द डीसी माइंड के एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज हम थ्रस्ट चेक करने वाले हैं 180 मोटर का इन दोनों प्रोपलर के साथ, जिसमें दोस्तों ये वाला प्रोपलर है ये हमने खुद से घर पर बनाया हुआ है और ये जो प्रोपलर है इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। इसका जो अनबॉक्सिंग का वीडियो है वो मैंने पहले ही डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो ये वो मोटर है 180 मोटर। तो इसी मोटर के साथ हम इन दोनों प्रोपलर का थ्रस्ट चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा वाला प्रोपलर ज़्यादा बेटर है, हमारा बनाया हुआ या फिर ऑनलाइन जो मैंने परचेस किया है वो। तो दोस्तों इनके थ्रस्ट टेस्ट के लिए देखिए मैं इस डिजिटल वेइंग स्केल का इस्तेमाल करने वाला हूं। और दोस्तों इस मोटर का थ्रस्ट टेस्ट करने से पहले हम इस मोटर का एक बार वेट देख लेते हैं कितना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 30 ग्राम इसका वेट है। दोस्तों इससे होगा ये कि इसका जो भी थ्रस्ट निकलेगा इसके वेट को हम उसमें माइनस कर देंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि ये मोटर कितना वजन अपने साथ उठा सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें इस 180 मोटर को इस डिजिटल वेइंग स्केल में एक जगह पर फिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए मैंने एक बैटरी लिया है, ये बाइक की बैटरी है 12 वोल्ट की, और इसके जो ऊपर का कैप होता है देखिए इसमें मैंने होल कर दिया है बिल्कुल मोटर के साइज का, ठीक है। तो इसमें हम मोटर को माउंट कर देंगे और ये बैटरी कुछ इस तरह से इसमें आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं इस 180 मोटर को इस बैटरी के कैप पर फटाफट से फिक्स कर देता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यार काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने छोटे मोटर को माउंट करने के लिए मैंने ये इतनी बड़ी बैटरी का इस्तेमाल क्यों किया है। तो दोस्तों ये जो मोटर है वो चलते वक्त बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट होता है, तो अगर मैं कोई ऐसी चीज लेता हूँ जो कि हल्की है, जैसा कि मैंने एक पहले कोको कोला के बॉटल में भी इसको माउंट करके और इसकी रीडिंग लेने की, मतलब इसका थ्रस्ट चेक करने की कोशिश की थी, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से जो हमारा वेइंग स्केल है वो सही से रीडिंग नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने इस बैटरी पर इसे माउंट किया है जो कि काफ़ी भारी है, जिसकी वजह से इसमें ना के बराबर वाइब्रेशन होता है। तो देखिए फाइनली मैंने इस मोटर को इसमें माउंट कर लिया है, और देखिए इसे मैंने जब इसमें रखा है तो इसका वेट अराउंड 1 किलो के आसपास जाता है, लेकिन मैं इसे जब ज़ीरो कर दूंगा तब हम इसका सही से रीडिंग ले पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस होममेड जो हमारा बनाया हुआ प्रोपलर है उसका हम थ्रस्ट चेक करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रोपलर है इसको मैंने सीधे नहीं लगाया, इसको मैंने इसमें उल्टी तरफ लगाया, ये देखिए। तो ये नीचे से एयर खींचेगा और ऊपर को फेंकेगा, जिससे ये दबाव जो है वो वेइंग स्केल की तरफ डालेगा, जिससे हमें जो है थ्रस्ट है वो मालूम पड़ेगा। अब दोस्तों पावर सप्लाई के लिए इसमें मैंने खुद का बनाया हुआ लिथियम आयन जो बैटरी है 7 वोल्ट का वो इस्तेमाल किया है। अगर आपको भी ये बनाना है तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बैटरी के एक टर्मिनल को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है, और चलिए पहले जीरो कर लेते हैं। तो दोस्तों होममेड प्रोपलर के साथ इस मोटर का जो मैक्स थ्रस्ट है वो है लगभग 64 ग्राम, और इस मोटर का जो वेट है वो है लगभग 30 ग्राम। तो अगर हम 64 में 30 को माइनस करते हैं तो होते हैं 34 ग्राम, यानी कि दोस्तों ये मोटर अपने वजन के साथ साथ लगभग 34 ग्राम का वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब ये जो रेडीमेड प्रोपलर है जिसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है इसे भी इसमें लगा के देखते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे भी मैंने उल्टा लगाया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये नीचे से एयर खींचेगा ऊपर को फेंकेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो डिफरेंस है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। रेडीमेड प्रोपलर के साथ इस मोटर का जो थ्रस्ट है वो है लगभग 98 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम हम इसे मान सकते हैं, और अगर हम मोटर के वेट को इसमें माइनस करें तो निकल के आते हैं लगभग 70 ग्राम, यानी कि दोस्तों ये मोटर जो है अपने वजन के साथ साथ 70 ग्राम का वेट लेकर के उड़ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आप ही लोगों के डिमांड पर बनाया था कि भाई आप जो होममेड प्रोपलर है और जो मैंने खरीदा हुआ प्रोपलर है उसका आप थ्रस्ट चेक करो, तो इसीलिए इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। और दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम इस 180 मोटर का स्पीड कंट्रोलर भी बनाने वाले हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार है, बस उसका वीडियो अपलोड करना बाकी है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय।